फर्स्ट रीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था 8 स्पिन में से 5 स्पिन यहां पे मारता, जिसमें से कुछ खास अच्छे आइटम मिले नहीं थे, 3 यहां पे बचा हुआ था। ये कहता देख ले ऊपर वाले यार, 5 तो मार दिया, उसमें से तूने मुझे कोई भी ऑरेंज आइटम यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन 3 में से कोई एक ऑरेंज आइटम यहाँ पे दे दे। तो तीनों जैसे मारता ना, तो 2 यहाँ पे ब्लू आइटम थे लेकिन तीसरा यहाँ पे ऑरेंज आइटम था, तो इसको खुशी हो जाती है और यह सामने से खुश है। लेकिन भाई ऑरेंज देखने से पहले जो ब्लू आइटम है ना, ब्लू आइटम यहाँ पे देख लेता हूँ। दोनों ब्लू आइटम यहाँ पे सेम थे, स्पिरिचुअल माइंड या स्पिरिचुअल थॉट यहाँ पे कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारा जो माइंड है ना, तुम्हारा माइंड यानी जो डिवाइन का मतलब माइंड का पावर यहाँ पे बढ़ेगा, और जितना ज्यादा माइंड का पावर बढ़ेगा उतना डिवाइन सेंस इंक्रीज होगा, और जितना डिवाइन सेंस इंक्रीज होगा उतना सोल का पावर इंक्रीज होगा। अगर बंदे का फिजिकल पावर कम है लेकिन अगर सोल का पावर यहाँ पे ज्यादा ना, तो भी सामने अगर अपोनेंट मुझसे भी हाईएस्ट स्टेज के बंदे आ जाएंगे ना, तो भी उनको हरा सकता हूँ। अपन अभी 4th रैंक पर है, लेकिन अगर मैं डिवाइन सेंस बढ़ता गया तो 5वें रैंक के बंदे को भी आराम से हरा सकता हूँ। और ये तो भाई सिस्टम के अंदर की बात है जहां पे ये पता करवा रहा है। बस सर यहां पे लिटली आराम से इसकी रियल बॉडी खड़ी हुई है आसमान की ओर देखते हुए। क्वेंग यहां पे कंफ्यूज के, भैया मार्शल अंकल गाउचे को क्या हो गया, ये आसमान को बस घूर घूर के देखे जा रहे हैं। मुझे तो भैया मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। अंदर सर यहां पे इसने ऑरेंज आइटम को भी ओपन कर लिया था, ऑरेंज आइटम बेसिकली यहां पे था एफिनिटी ऑफ हेवन और अर्थ। इसका एग्जैक्टली मतलब तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन शायद ये होता कि भाई हे किसी ना किसी टाइप का ना ये भी पावर, ये भी एक टेक्निक यहां पर है। जो देखते इसका मूड हल्का सा डाउन होता, कहता है शिट यार। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी ऑरेंज गेट के चीजें आती हैं उसमें से सबसे यूजलेस और सबसे बेकार ये यहाँ पर है। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई सारे बंदे ना इसको हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उसके लिए उनको इनलाइटर होना पड़ता है, जो कि नहीं होते। इनलाइटर बड़े कमाल के और काफी कमी ऐसे रेयर बंदे होते हैं, तो मैं भी उनमें से ही आता हूँ। यानी भाई ये बाकी बंदों के लिए यूजलेस है, मेरे लिए बिल्कुल भी यूजलेस नहीं है। और ये तो शायद जो भी था भाई ऑब्टेन कर लेता होगा, और बाकी टेक्निक द्वारा जो भी चाहिए था वो सब ऑब्टेन कर लेता है। बाहर से रियल बॉडी में जहाँ पे इसके बॉडी में रिएक्शन होना चालू होता जैसे इसने ऑपरेट किया था, हाँ, तो क्वेंग चौंक जाती कि भाई अभी अभी इनका लेवल अप हुआ, और वापस से लेवल अप तो नहीं हो रहा, लगता है कुछ पावर ही वहाँ पर मिल रही है, कुछ मतलब मिल ही रहा है। और जो ऑरा रिलीज हो रहा है ना भाई, कितना डेंजरस है। यहाँ तक कि जियांग बिजली पड़ी थी कि अरे बाप रे भाई ये क्या बाबू की बॉडी में हो रहा है। और अपने रियल बॉडी द्वारा इन दोनों से कहते रुको भाई, अभी मैं तुमको कमाल की पावर यहाँ पर दिखाता हूँ। बादल यार मेरे हिसाब से शेप चेंज करो, तो ये ऐसा कंट्रोल करके ना बादलों का जो शेप है ना, शेप यहाँ पे चेंज करवा देता है। जो देखता भाई ये दोनों के दोनों चौंक जाते, कह रहे बाप रे भाई ये ऐसे कैसे इन्होंने यहाँ पे कर दिया। अपना गाउचा भी खुश है कि हाँ आखिरी में जो चीज मिला था ना उसके द्वारा ही ये सारी चीजें यहाँ पर हुई है। और ये दोनों भी यहाँ पे चौके पड़े, यार इनको और भी ज्यादा चौकवा देता हूँ सामने से उन दोनों से। डोंट वरी, सुनो भाई एक जल्दी से स्वॉर्ड यहाँ पे बन जाओ। हाँ, तो बादल में फिर से चेंजेस आते हैं और आसमान से धीरे धीरे कोई स्वॉर्ड अपीयर होना चालू होता है, जो देखते ये दोनों और चौक जाते हैं। क्वेंग कहती है भाई ये तो हेवन अर्थ मैनिपुलेट यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये काम तो भाई वही बंदे नॉर्मली कर पाते जो कि ना भाई क्या बोलते हैं, अरे यार जो पांचवें लेवल पे या फिर पांचवें लेवल से ऊपर यहाँ पे होते हैं, लेकिन अंकल गाउचे तो भाई खाली 4th रैंक पर है, ये कैसे पॉसिबल है। और जो शॉट धीरे धीरे आ रहा था ना, वो शॉट यहाँ पे और भी धीरे 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 बने जा रहा है, यानी फॉर्म हुए जा रहा है। पीछे से ये भी कहते कह रहे अंकल आपका जो क्या बोलते हैं सुपर नेचर पावर ऑफ हेवन अर्थ वो एक्टिवेट हो गया क्या। ये कहता फोर्स भाई वो हो गया, तभी तो ये सब कर पा रहा हूँ। क्यूएन कहती मगर कैसे, यार आज तक मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है कि जो बंदे लोग जो कि पांचवें रैंक से कम होते उन्होंने ऐसा किया है। जियो सुंदर गाउचे सामने से कहता भाई देखो दुनिया में जो काम होता है ना कोई शुरुआत करने वाला होता है, यानी समझो मैं दुनिया का सबसे पहला बंदा हूं जो कि 5वें रैंक का कम होते भर में ये सब यहां पे कर दिया। जो सुंदर क्यूएन और भी चौंक जाते हैं, दुनिया के सबसे पहले बंदे जो कि इतने कम लेवल पे इन्होंने यहां पे कर दिया। और तभी सिस्टम में लिख के आता कि यहां का जो सबसे पहला मेन टास्क होने वाला है ना, उससे रिलेटेड क्लू आपको आगे यहां पे मिल जाएगा, तो जाओ। तो ये भी देखता रहा सिस्टम भाई, तो उससे दिल खुश कर दिए, तो उड़ते हुए निकल जाता है। ये कहते हुए मुझे आगे से ना घोस्ट एनर्जी यहां पे महसूस हो रही है, यानी अगर कोई खतरा है तो मैं जा रहा हूं सॉल्व करने के लिए, इसलिए मेरा स्वॉर्ड मेरे पीछे आम। तो आसमान में जो स्वॉर्ड फॉर्म हुआ था ना वो स्वॉर्ड को कह रहा था, तो स्वॉर्ड भी पीछे पीछे आता है। तो पीछे से यहाँ पे ये कहती है कि एक सेकंड यार हमको तो महसूस नहीं हो रहा, गाउचे को कैसे महसूस हो गया। क्वेन कहती है मार्शल आंटी हमको जाके चेक करना चाहिए, शीर्ष तो उसी एरिया में जिस एरिया में सिस्टम ने शो किया था। हाँ, तो उस एरिया के अंदर ढेर सारे जो प्लेयर्स यहाँ पे थे ना इस एरिया के, उनके पीछे वो आइस वुल्फ यहाँ पे पड़े थे, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में या फिर लास्ट के लास्ट एपिसोड में आजाद यहाँ पे किया था भाई, वो टावर ओनर है। तो सारे बंदे पगला जाते भागे जा रहे, मम्मी रे भाई हमको तो सिस्टम ने शो ने ये बोला था यहाँ पे जंगली सुअर मिलेंगे, तो हम शिकार करने के लिए आ गए, यहाँ पे जंगली सुअर नहीं बल्कि जंगली भेड़िए यहाँ पर आ गए। भाई मम्मी ने गद्दारी कर दिया हमारे सिस्टम ने, भागो 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 भागो, भागे जा रहे, बचने की कोशिश कर रहे, कुछ मरे भी जा रहे हैं। एक जो लड़का था उसको एकदम हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था, वो तो डर जाता कि मम्मी ने अगर इसने मुझे मार डाला मर जाऊंगा, मुझे स्टार्टिंग से पूरा गेम स्टार्ट करना पड़ेगा। मेरे पास जो रिवाइवल कॉइन था ना मैंने वो भी यूज कर दिया, मम्मी रा मेरा क्या होगा, बेचारा भाग नहीं पाता और गिर जाता है। और एक वुल्फ
उसके पीछे आता है इसको खा के खत्म करने को। वो पूरा एकदम डर गया, पूरा कन्फर्म कि भाई गया, अब ऊपर वाले मुझे कोई बचा ही नहीं सकता। उतने में धीरे धीरे एक शेडो आने लग जाता है, यानी आसमान से जो स्वॉर्ड है ना, स्वॉर्ड यहाँ पे आ रहा था, उसी का शेडो था, और चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखते भाई आगे क्या होता है। जो होगा अच्छा ही होगा। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।